देश में अब प्याज, टमाटर और आलू की महंगाई से परेशान हैं, तो रिजर्व बैंक ने इस पर हैरान करने वाला खुलासा कर दिया है। आप तो प्याज, टमाटर और आलू के लिए भरपूर पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन ग्राहक चाहे जितना खर्च करें, किसानों को उसका बहुत थोड़ा ही फायदा मिल पा रहा है। RBI के ताज़ा शोध पत्र यानी रिसर्च पेपर में इस बात का खुलासा हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक के एक रिसर्च पेपर में कहा गया है कि प्याज किसानों को ग्राहकों के खर्च का केवल 36% मिलता है, वहीं टमाटर के लिए ये 33% और आलू के मामले में 37% है। रिसर्च पेपर में स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कृषि डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में सुधार का सुझाव दिया गया है। इसमें किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद के लिए निजी मंडियों की संख्या बढ़ाने की बात शामिल है। टमाटर, प्याज और आलू की कीमतों को लेकर सब्जियों की महंगाई पर अध्ययन पत्र में कहा गया है, क्योंकि सब्जियां जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं हैं, ऐसे में टमाटर, प्याज और आलू के डिस्ट्रीब्यूशन में पारदर्शिता में सुधार लाने के लिए निजी मंडियों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। कंपटीशन से स्थानीय स्तर की कृषि उपज बाजार समिति के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने में भी मदद मिल सकती है। ग्रॉस इन्फ्लेशन पर हाल के दबाव में पीछे खाद्य मुद्रास्फीति को जिम्मेदार ठहराया गया है। इसमें टमाटर, प्याज और आलू के दाम में भारी उतार चढ़ाव सबसे चुनौतीपूर्ण रहे हैं।